दोस्तों आज मेरे सामने है KTM की ऑल न्यू RC 200 BS6 FI मॉडल और आज मैं इसी का डिटेल रिव्यू करने वाला हूं और आप लोगों को इस बाइक के बारे में बताने वाला हूं। इस बाइक का प्राइस, स्पेसिफिकेशन और जो न्यू फीचर्स ऐड किए गए हैं वो सभी आज के इस व्लॉग में बताने वाला हूं। तो प्लीज़ व्लॉग को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और गाइज, ये व्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ JPS कॉरपोरेशन KTM बालागंज लखनऊ में। डिस्क्रिप्शन में मैं शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा क्योंकि आप लोगों को लखनऊ में कहीं भी और KTM RC 200 देखने को नहीं मिलेगी, केवल इसी शोरूम में अवेलेबल है। और अगर आप लोग चैनल पर मेरी पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा क्योंकि आप लोगों को इस चैनल पर बाइक से रिलेटेड कॉन्टेंट आगे मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बाइक के लुक्स, ग्राफिक्स एंड कलर्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको दिख जाएगा फ्रंट में एक बहुत बड़ा सा वाइज़र जो कि स्पोर्टी लुक के साथ में आता है और उसी के अंदर आप लोगों को रेड ग्राफिक में KTM देखने को मिल जाएगा ब्लैक कलर में। और ये LED हेडलाइट आपको दिख जाएगी, उसी के नीचे नंबर प्लेट का स्पेस दिख जाएगा। साइड बाय साइड में आपको दिखाऊं तो साइड में आपको RC 200 की बैजिंग दिख जाएगी ऑरेंज में और ऑरेंज ग्राफिक्स यूज़ किए गए हैं ऊपर साइड में। और जो इसका मेड गार्ड है वो ब्लैक फिनिशिंग के साथ में आता है। अब मैं थोड़ा आपको घुमा के दिखा दूं तो बहुत ही प्यारा लुक आता है इस बाइक का। बैक साइड में आपको टेल लाइट दिख जाएगी और सेकंड साइड आप अगर देखेंगे तो आपको KTM की बैजिंग दिख जाएगी ऑरेंज में एंड वाइट में। और टैंक के ऊपर भी आपको पूरा ऑरेंज एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। इस बाइक में जो टेल लाइट्स एंड हेडलाइट्स यूज़ की गई हैं वो दोनों ही LED यूज़ की गई हैं। फ्रंट में आपको बहुत बड़ी सी हेडलाइट देखने को मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको दोनों साइड DRLs भी देखने को मिल जाएंगे और DRLs के जस्ट ऊपर आपको इंडिकेटर्स दिख जाएंगे LED दोनों साइड पर। और चलिए अब मैं आपको बैक साइड की टेल लाइट दिखाता हूँ। ये भी टेल लाइट जो है वो LED टेल लाइट है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ एंड ब्राइट लाइट है और दोनों ही इंडिकेटर्स हैं। ये कोई फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स नहीं है बट LED इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स के जस्ट नीचे आप लोगों को नंबर प्लेट का स्पेस दिख जाएगा और उसी के ऊपर छोटी सी लाइट लगी हुई है नंबर प्लेट के लिए और रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। तो दोस्तों इस बाइक में जो इंजन यूज़ किया गया है वो है 199.5 cc का BS6 FI इंजन जिसमें आपको सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल देखने को मिल जाएगा और इसकी मैक्स पावर है वो है 25.4 BHP एट द रेट 10,000 RPM और जो मैक्स टॉर्क है वो है 19.5 Nm एट द रेट 8,000 RPM। इसमें आप लोगों को 6 speed का मैनुअल गेयरबॉक्स देखने को भी मिल जाएगा। और चलिए अब मैं आप लोगों को सेकेंड साइड से इंजन दिखा दूँ। तो सेकेंड साइड से आपको KTM की बैजिंग दिख जाएगी और आपको यहाँ पर देखने को मिलता है लिक्विड कूलिंग का रेडिएटर और नीचे साइड इंजन के ब्रेक लीवर दिख जाएगा और ब्रेक लीवर के नीचे आप लोगों को एग्जॉस्ट जो दिखता है वो अंडरबेली एग्जॉस्ट है ब्लैक फिनिशिंग के साथ में। और अब मैं आप लोगों को इस बाइक का मीटर कंसोल दिखाता हूँ जो कि डिजिटल मीटर कंसोल है, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव मीटर कंसोल है। मीटर को ऑन करते ही लेफ्ट साइड में आप लोगों को न्यूट्रल, ABS, इंजन और इंडिकेटर का दिख जाएगा और बीच साइड में आप लोगों को ओडोमीटर, टाइमिंग, इंजन किल स्विच, गियर पोजीशन और किलोमीटर का दिख जाएगा। राइट साइड में आप लोगों को फ्यूल टैंक, ABS सिस्टम ऑन या ऑफ और पार्किंग असिस्ट दिख जाएगा और बीच में लोगो दिख जाएगा KTM का। और जो इसका हैंडल बार है वो एडजस्टेबल हैंडल बार है। राइट साइड में आप लोगों को इंजन किल स्विच, उसके नीचे सेल्फ स्विच और लेफ्ट साइड में आप लोगों को स्विच देखने को मिलते हैं, लाइटिंग स्विच, इंडिकेटर स्विच और नीचे हॉर्न का स्विच है और ये हाई बीम लो बीम पास स्विच और दो वाइल मिरर आपको देखने को मिल जाएंगे वाइजर के ऊपर। और इसमें आपको 13.5 लीटर की फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगी जो कि रेड एंड ब्लैक फिनिशिंग के साथ में आती है। और जो इसकी सीटिंग पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट पोजीशन है, बहुत ही सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल सीट्स हैं जिस पे आपको RC की बैजिंग दिख जाएगी। इस बाइक में डुअल चैनल ABS के साथ ब्रेकिंग सिस्टम को यूज़ किया गया है। फ्रंट में आप लोगों को
डिस्क पैड दिख जाएगा जिसका साइज है 320mm का और ABS रिंग दिख जाएगी। और अब मैं आप लोगों को रियर साइड का ब्रेकिंग सिस्टम दिखा दूं, तो उसमें भी आपको डिस्क प्लेट देखने को मिल जाएगी जिसका साइज है 230mm का ABS रिंग के साथ में। बहुत ही अच्छी ब्रेकिंग सिस्टम यूज की गई है इस बाइक में। अब मैं आप लोगों को इस बाइक के सस्पेंशन के बारे में बता दूं, तो फ्रंट में आप लोगों को WP Apex का सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा जिसका साइज है 142mm का दोनों ही साइड विथ रिफ्लेक्टर के साथ में। और आपको मैं रियर साइड का सस्पेंशन दिखा दूं जो कि है WP Apex मोनोशॉक सस्पेंशन है जिसका साइज है 161mm का। ये बहुत ही कंफर्टेबल एंड सॉफ्ट सस्पेंशन है और इसमें आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं 17 इंचेस के ऑरेंज ग्राफिक के साथ में। और फ्रंट टायर का जो साइज है वो है 110/70। ये आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएंगे MRF के। और मैं आपको रियर टायर दिखा दूं जिसका साइज है 150/60 17 इंचेस का। ये भी टायर आपको देखने को मिलेगा और ऑरेंज ग्राफिक के साथ में। ये दोनों ही MRF के टायर हैं ट्यूबलेस। और इस बाइक में आप लोगों को जो चैन दिखेगी वो विदाउट कवर के साथ दिखेगी और जो इसका चैन इस पॉकेट है वो बहुत ही बड़ा चैन इस पॉकेट है। और दोस्तों अब मैं आप लोगों को इस बाइक का एक शोरूम प्राइस बता दूं, लखनऊ का जो है वो है 230,000 के अबव। ओवरऑल इस बाइक का जो लुक है, ग्राफिक्स है, वो बहुत ही प्यारा है, स्पोर्टी लुक के साथ में आती है। KTM की बाइक है 200cc की, बहुत ही मस्कुलर एंड बेस्ट बाइक होने वाली है इस सीरीज़ में। मैंने आप लोगों को पूरा वॉक अराउंड दिखा दिया, डिटेल रिव्यू दे दिया है इस व्लॉग में। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल पर बाइक से रिलेटेड एंड स्कूटर से रिलेटेड बहुत से कॉन्टेंट आगे मिलने वाले हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।